जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। रूप है अमंगल लेकिन मंगल के राशि भोलेनाथ है। घट घट के बासी फिर भी मरघट के बासी भोलेनाथ है। भगवान शिव जी के पास भगवान शिव जी के पास जो भी साज है कोनो साज अच्छे नहीं है। चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो चाहे गोरो हो चाहे ततैया हो कोनो साज अच्छा नहीं है। लेकिन आनंद के देने वाले हाँ सुख समृद्धि को देने वाले हैं। देखिए आप कैसे हैं भोलेनाथ। रूप है अमंगल लेकिन मंगल के राशि भोलेनाथ है। और घट घट के बासी फिर भी मरघट के बासी भोलेनाथ है। भस्म लगा के भस्म किया है भस्म लगा के भस्म किया है। नाम हुगा कामारी जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ हाँ ऐसे हैं। भस्म शरीर पे लगी है लेकिन भस्म कर दिया कामदेव को। कामदेव को भस्म किया है भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने। जय हो जटाधारी भगवान। हाँ ऐसे हैं भगवान। भस्म लगाए हैं लेकिन भस्म करने की सामर्थ्य है कामदेव को भस्म करने की। जिस कामदेव पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाए किसी ने न देवताओं ने न किन्नरों ने न नाग ने न सुर ने किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई लेकिन उस कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। देखिए यही से तो कही यही से कह रही कि भगवान शिव जी के पास जितने सामान हैं जितने हाँ सामान हैं वे सब अमंगल हैं लेकिन मंगल के देवी बारे। देखो अमंगल भगवान शिव ने ले लो और मंगल संसार खन ले लो। ऐसे तो कही हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हाँ बड़ी अच्छी चौपाई है। नाम प्रभा शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशी। नाम प्रभा नाम प्रभा नाम प्रभा शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि। ऐसे तो कही गई भगवान का करो भगवान ने। रूप है अमंगल लेकिन मंगल के राशि भोलेनाथ है। घट
काट घट के बासी फिर भी मर घट के बासी भोलेनाथ हैं। भस्म लगा के भस्म किया है, भस्म लगा के भस्म किया है, नाम हुआ कामारी जटा शंकर कहलाए।